सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक ज़बरदस्त और कमाल के ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हाट्सएप के लिए वीडियो स्टेटस कैसे बना सकते हैं, अपना खुद का वीडियो स्टेटस कैसे बना सकते हैं। डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो स्टेटस चल रहा है, उसमें नीचे लिरिक्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इस टाइप के आप वीडियो स्टेटस बना सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर समय नहीं गवा रहे, वीडियो स्टार्ट करना चाहेंगे। मैं हूँ जितन पटेल और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रिक्स एंड ऑफर्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, जो एप्लीकेशन का नाम है किने मास्टर प्रो। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगा, आप वहाँ से जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। तो आपको यहाँ पे प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मीडिया ब्राउज़र में जाना है। मीडिया ब्राउज़र में हमें यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं फ़ोटो ले लेता हूँ पहले, यहाँ से मैं थोड़े बहुत फ़ोटो ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट कर लिए, और मुझे यहाँ पे 30 सेकंड तक ही फ़ोटो यहाँ पे रखने हैं, और यहाँ पे बाकी ऐड नहीं करना है। व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर आप 30 सेकंड का ही वीडियो स्टेटस डाल सकते हो, तो आपको यहाँ पे 30 सेकंड का ही वीडियो स्टेटस यहाँ पे रखना है। तो मैंने 30 सेकंड तक यहाँ पे फ़ोटो ले लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में यहाँ पे आपको एक गैप नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इफेक्ट डाल लिए हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हो। यहाँ पे आपको बीच में वापस क्लिक करना है, क्लासिक में जाना है, या फिर यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। इफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, 3D इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इफेक्ट भी सिलेक्ट कर लिए। अभी दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक में जाना है। ऑडियो के अंदर, ऑडियो के अंदर आपको यहाँ पे सॉन्ग चॉइस करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक सॉन्ग चॉइस कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सुन मेरे हमसफ़र का एक सॉन्ग सिलेक्ट कर लिया है और डन बटन पे क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पाक है उसको हम लोग यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे सॉन्ग पे ऊपर, और यहाँ पे ट्रिम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड का कट करना है तो लेफ़्ट साइड सिलेक्ट कर लीजिए, और राइट का क्लिक करना है तो राइट साइड यहाँ पर क्लिक करके उसको कट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बाहर निकल जाना है, और यहाँ पर कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। अभी जो आपको गाना चाहिए उसका आपको यहाँ पे लिरिक्स ढूंढना है। तो जैसे मुझे यहाँ पे, मैं गूगल पेज ओपन करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा, जिससे मुझे यहाँ पे सुन मेरे हम सफ़र का लिरिक्स चाहिए। तो मैं सुन मेरे हम सफ़र लिरिक्स सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे इसको कॉपी करना है, मुझे यहाँ पे लिरिक्स कॉपी करने हैं, सिलेक्ट कॉपी। और उसे मुझे यहाँ पे नोट में सेव करना है। प्लस में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे लिरिक्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सुन मेरे हम सफ़र, और कॉपी करना है। उसके बाद दोस्तों वापस यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग प्ले कर भी कर सकते, और यहाँ पर हमें लेयर में जाना है और टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पर उसको पेस्ट करना है जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया है, सुन मेरे हम सफ़र। और यहाँ पे कुछ सिंबल्स इमोजीज आपको लगाना है, वो भी आप लगा सकते हैं, इमोजीज आप यहाँ से लगा सकते हैं, फिर ओके कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ से सेट करना है। फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट में जाना है, और यहाँ से आप टेक्स्ट यहाँ से फंड्स यहाँ से चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से, और डन बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे सुन मेरे हमसफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको सेट करना है और उसको प्ले करना है। यानी जो आपकी लाइन यहाँ पे ख़त्म होती है सुन मेरे हमसफ़र, वो यहाँ तक ही आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे वापस आपको लेयर में जाना है, और यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस उसको पेस्ट करना है और ओके बटन पर क्लिक करना है, और उसको वापस यहाँ पर हम लोग उसको थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे, और यहाँ पर फंड्स उसको क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पे जितना रखना है उतना आप यहाँ से रख सकते हैं। आपका जो सॉन्ग्स यहाँ पे, जहाँ पे लिरिक्स ख़त्म होते हैं वहाँ तक आप उसको सेट कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे सॉन्ग्स प्ले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट में आ जाएगा इसके लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिरिक्स यहाँ पे आ जा रहे हैं, उसको हमें यहाँ पे सेट करना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करना है। एनिमेशन में आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, फेड रख सकते हैं, पॉपअप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फेड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे और यहाँ पे आउट एनिमेशन लेंगे। तो आउट एनिमेशन में हम लोग स्लाइड राइट ले सकते हैं, लेफ़्ट ले सकते हैं, तो हमें यहाँ पे राइट सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमें यहाँ पे सेम सिलेक्ट करना है, फेड और आउट में भी दे देंगे स्लाइड लेफ्ट, डन बटन पे क्लिक कर लेंगे। और मैं आपको यहाँ पे प्ले करके बताऊँगा वापस। दोस्तों इस प्रकार आप यहाँ पे उस गाने को पूरा यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, टैक्स बना सकते हो, लगा सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। फिर लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाना है दोस्तों। मैं यहाँ पे पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको मैंने यहाँ पे सिंपल बता दिया इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट और बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों आपको वापस यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर शेयर में जाना है और यहाँ पर सेव टू वीडियो गैलरी पर सिलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पर हाई डेफिनेशन या फिर मीडियम क्वालिटी सिलेक्ट करना है। जैसे आपको यहाँ पे 15 MB के अंदर आती है साइज़, तो साइज़ सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरी 15 MB के अंदर आती है साइज़ हाई डेफिनेशन वाली, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा, तो मेरा वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना वीडियो बना सकते हो, वीडियो स्टेटस में डाल सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।